नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र सोमवार को शुरू हो गया। संसद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धियों को याद करने का समय है, रोने धोने का समय नहीं है। संसद की पुरानी बिल्डिंग खून पसीने से बनी है, हम अपने अतीत को याद करें, हमारा गौरव साझा है। संसद में बोलते हुए आज पीएम मोदी ने सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का नाम लेकर उन्हें और उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा, यह वो सदन है जहां पंडित नेहरू का स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का आंदोलन भी इसी सदन में देखा था। उन्होंने कहा, पंडित नेहरू, शास्त्री से लेकर अटल, मनमोहन सिंह तक कई नाम हैं जिन्होंने इस सदन को नेतृत्व किया। सदन के माध्यम से देश को दिशा दी है। देश को नए रंग रूप में ढालने के लिए उन्होंने परिश्रम किया और प्रोत्साहित किया है। आज उन सबका गौरवगान करने का अवसर है। संसद में पीएम मोदी के बोलने के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इशारों इशारों में पीएम मोदी की कई बातों का जवाब दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने याद किया कि कैसे जब पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू अपने भाषण के दौरान समय सीमा से आगे बढ़ जाते थे तो स्पीकर घंटी बजाते थे। उन्होंने उस समय भारत के लिए नेहरू के योगदान की ओर ध्यान दिलाया जब देश भारत पाकिस्तान विभाजन, गरीबी और अन्य चुनौतियों के दुष्परिणामों से जूझ रहा था। अधीर रंजन ने कहा, पंडित नेहरू ने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र कई गुणों की मांग करता है। ये क्षमता, कार्य के प्रति समर्पण और आत्म अनुशासन की मांग करता है। हालांकि उन्हें संसद में भारी बहुमत प्राप्त था, लेकिन वो विपक्ष की आवाज़ सुनने में थकते नहीं थे। उन्होंने कभी भी विपक्ष का मजाक नहीं उड़ाया या प्रश्नों का उत्तर देते समय ध्यान नहीं भटकाया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि चंद्रयान को लेकर चर्चा चल रही है। मैं कहना चाहता हूं कि 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में परमाणु अनुसंधान समिति का गठन किया गया, वहीं से हम आगे बढ़े और 1964 में इसरो का विकास किया। आज हम इसरो को क्या कहेंगे? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नहीं तो क्या कहेंगे? ये भारत इंडिया का मुद्दा कहां से उठ गया? उधर राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अपनी राजनीति करने का तरीका बदलें, हम नई संसद में जा रहे हैं, अगर राजनीति का तरीका नहीं बदला तो कुछ भी नया नहीं होगा। खड़गे ने सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ इशारा करते हुए ये बात कही। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नेहरू जी का मानना था कि इस बदलाव के दौर में हमें तेजी से काम करना होगा। नेहरू जी अपने समय सबको साथ लेकर चलते थे। उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट में सबसे योग्य लोगों को शामिल किया था। उनकी कैबिनेट में ऐसे भी 5 लोग शामिल थे जो कांग्रेस में नहीं थे, लेकिन मोदी सरकार तो हमारा साया भी नहीं देखना चाहती। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग बहुत सी बातें नेहरू जी के बारे में बोलते हैं, लेकिन कभी ये भी बोलते कि नेहरू जी में कितना बड़प्पन था कि अपने राजनीतिक विरोधी धारा के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को केंद्र में इंडस्ट्री और सप्लाईज का मंत्री बनाया था, लेकिन मौजूदा सरकार विपक्ष में आए दिन ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल करके कमजोर कर रही है। अगर कोई विपक्ष मजबूत है भी तो तुरंत उसको लेना, भाजपा की वॉशिंग मशीन में डालना और खत्म कर देना। खड़गे ने कहा कि 1950 में जब भारत ने लोकतंत्र अपनाया तो बहुत से विदेशी विद्वानों को लगता था कि भारत में लोकतंत्र विफल हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने लोकतंत्र का संरक्षण कर उसे मजबूत किया। फिर भी हमसे पूछा जाता है कि 70 साल में हमने क्या किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के काम पर लगातार सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन संविधान सभा और ड्राफ्टिंग कमेटी के अहम सदस्य टीटी कृष्णाचारी ने कहा था कि संविधान का निर्माण करने वाली चुनिंदा 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी में सबसे बड़ी भूमिका बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की थी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि हम बहुत दिनों से महिला आरक्षण बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय राज्यसभा में 10% महिला और लोकसभा में 14% महिला सांसद हैं। वहीं विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी 10% है। 1952 में नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में केवल 5% महिलाएं सांसद थीं, लेकिन 70 साल बाद भी यह आंकड़ा 14-15% के अंदर ही है। कांग्रेस ने कहा कि आधी आबादी को पूरा हक देना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महिलाओं की सार्थक भागीदारी और साझी जिम्मेदारी का महत्व समझती है, इसलिए कांग्रेस के लिए महिला सशक्तिकरण महज कोई चुनावी शब्द नहीं, एक दृढ़ निश्चय रहा है। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन को संबोधित करते हुए कहा है कि आज के बाद से संसद की कार्यवाही नए भवन से संचालित होगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, अब तक सदन को 15 प्रधानमंत्रियों का नेतृत्व प्राप्त हुआ जिन्होंने इस देश की दशा और दिशा तय की है। ये सदन संवाद का प्रतीक रहा है। पिछले 75 सालों में यहाँ देश हित में सामूहिकता से निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि संकट के समय सदन ने एकजुटता से सामना किया। आज इस सदन में कार्यवाही का अंतिम दिन है। आज के बाद सदन की कार्यवाही नए भवन में संचालित होगी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी करने के लिए ऊधम सिंह नगर की एक स्थानीय अदालत ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा को 21 सितंबर को पेश होने के लिए नोटिस भेजा है। ऊधम सिंह नगर जिले की तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मीना देउपा ने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता गणेश उपाध्याय द्वारा इस संबंध में दाखिल परिवाद पर यह नोटिस भेजा। उपाध्याय के वकील आरपी सिंह ने बताया कि 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान किच्छा में हुई जनसभा को संबोधित करते हुए शर्मा ने गांधी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की थी। इस संबंध में अपना बयान दर्ज कराते हुए उपाध्याय ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री ने किच्छा नगर में तहसील कार्यालय के सामने इंदिरा गांधी मैदान में 11 फरवरी 2022 को एक राजनीतिक दल के उम्मीदवार का प्रचार करते हुए कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी का नाम लेकर विद्वेषपूर्ण भावना से ग्रस्त टिप्पणी की कि आप कौन से पिता के बेटे हैं, हमने प्रूफ मांगा क्या। महाराष्ट्र में शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता के फैसले पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड ने विधानसभा के स्पीकर को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि स्पीकर को उचित समय के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। शिकायत यह है कि 4 महीने बीत जाने के बावजूद स्पीकर ने निर्णय के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। 11 मई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद स्पीकर ने अब तक विधायकों को अयोग्यता पर कोई निर्णय नहीं लिया। कोर्ट ने स्पीकर को सुनवाई के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है और इस मामले की आगे की सुनवाई के लिए 2 हफ्ते बाद का समय तय किया है। इसके साथ ही सीजीआई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने कहा स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का पालन करना होगा। 11 मई को कई महीने बीत चुके हैं और अब तक केवल नोटिस जारी किया गया है। बता दें शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने कोर्ट में शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग को लेकर याचिका लगाई गई है जिस पर कोर्ट सुनवाई कर रहा था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की ओर से इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। साथ ही उन्हें इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद हेमंत सोरेन ने अपनी रिट याचिका वापस ले ली है और अब वो इस ईडी के समन को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी के समन को रद्द करने की मांग के साथ ही पीएमएलए एक्ट की धारा 50 और 63 की संवैधानिक वैधानिकता को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 18 सितंबर को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में विशेष जांच दल यानी एसआईटी को राहत देते हुए कहा कि उसने पहले ही अपनी जांच पूरी कर ली है और ट्रायल कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है, इसलिए अब उसे भंग किया जाता है। अदालत ने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो एसआईटी फिर से बनाई जा सकती है। मामला 3 अक्टूबर 2021 को हुई हिंसा की घटना से जुड़ा है जिसमें लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत 26 सितंबर तक बढ़ा दी थी जो मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पैनल पर एक याचिका के जरिए सवाल उठा गया है। मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट नया जांच पैनल नियुक्त करे। इंडिया टुडे और अन्य मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पैनल के सदस्यों और अडानी समूह में हितों का टकराव है। बता दें अडानी समूह के खिलाफ मार्केट रेगुलेटर सेबी की जांच के दौरान भी हितों के टकराव का मामला उठा था। हितों के टकराव का अर्थ यह है कि पैनल के सदस्य किसी न किसी रूप में अतीत में या वर्तमान में अडानी समूह से जुड़े रहे हों। इंडिया टुडे के मुताबिक याचिका में कहा गया है कि पैनल के सदस्य उद्योगपति ओपी भट्ट ग्रीनको ग्रुप के चेयरमैन हैं और गौतम अडानी के साथ मिलकर काम करते हैं। इसी तरह बैंकर केवी कामत एक बैंक धोखाधड़ी मामले का सामना कर रहे हैं। केंद्र सरकार के बही खातों पर सीएजी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। इसने कर्ज की राशि को बही खातों में दिखाने में हेरफेर किए जाने से लेकर रुपए प्राप्ति और खर्च में अंतर, नियमों की अनदेखी कर पब्लिक फंड का पैसा चालू खाते में रखने तक की रिपोर्ट दी है। इसने कहा है कि जिस मकसद से लेवी और उपकर लगाकर जनता से पैसे उगाहे गए उसके लिए उस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया गया। रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया है कि कैसे मोदी सरकार और उसके लेखाकारों ने सार्वजनिक धन के गुप्त भंडार के रूप में जगह बना ली है। पिछले महीने आई सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया कि केंद्र सरकार के खातों में कुछ गड़बड़ है। इसने ये भी कहा है कि उस स्थिति को बहुत लंबे समय तक खराब रहने दिया गया और गड़बड़ी को दुरुस्त करने का कोई वास्तविक प्रयास नहीं किया गया। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट संख्या 21 में खातों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथा शीर्षक वाला 27 पेज का अध्याय केंद्र सरकार के खातों में अपनाए गए तौर तरीकों पर चौंकाता है।
अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार सीएजी ने इसमें जो प्रमुख गड़बड़ियां बताई हैं उनमें कर्ज से जुड़ी रकम से लेकर लेवी और उपकर के रुपए तक शामिल हैं। सरकार के खातों में हेराफेरी विदेशी कर्ज को लेकर शुरू होती है। इसकी गिनती पुराने विनिमय दर पर 4.39 लाख करोड़ रुपए की गई थी। ये 2003 के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन यानी FRBM अधिनियम में दी गई परिभाषा के विपरीत है। इस परिभाषा के अनुसार मौजूदा विनिमय दर पर सरकार विदेशी ऋण का मूल्यांकन करती तो ये बढ़कर 6.58 लाख करोड़ रुपए हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सरकार के खातों में विदेशी ऋण का मूल्य 2.19 लाख करोड़ रुपए कम दिखाया गया। दूसरा, केंद्र द्वारा जुटाए गए लेवी और उपकर के पैसे या तो बेकार पड़े हैं या फिर अन्य दूसरे मकसद के इस्तेमाल किए गए। ये उन शर्तों का उल्लंघन है जिनके तहत उपकर को जुटाया जाता है। ये वो पैसा है जिसने केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझा करने के लिए बाध्य नहीं है। उपकर एक खास मकसद के लिए सरकार द्वारा लगाया गया एक अतिरिक्त कर है और शुरू में भारत के समेकित कोष में रखा जाता है। रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार विभाग में भी अनियमितताएं दिखी हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर सरकार को अपने समायोजित सकल राजस्व का 8% राजस्व लाइसेंस शुल्क के रूप में भुगतान करते हैं। इसमें से 5% एक सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि यानी USOF को और 3% सामान्य सरकारी खजाने को जाता है। सीएजी ने पाया कि सरकार ने टेलीकॉम लेवी से 10,376 करोड़ रुपए जुटाए लेकिन USOF को केवल 8,300 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। बाकी कहां गए सरकार ने नहीं बताया। अंग्रेजी अखबार के मुताबिक कुछ चार्टर्ड अकाउंट्स से संपर्क किया लेकिन वो इस बात पर टिप्पणी करने से कतरा रहे हैं कि सरकार किस तरह अपना हिसाब किताब रखती है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।